ये वो तस्वीरें हैं जो भारत की चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रह चुकी रुचिरा कंबोज के काम और उसकी अहमियत को बता रही हैं। हैदराबाद हाउस में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात हुई। मुलाकात के वक्त मोदी बाईं तरफ थे जबकि करजई दाईं तरफ। रुचिरा ने दोनों नेताओं को बताया कि उन्हें प्रोटोकॉल के मुताबिक किधर खड़ा होना है। करजई के बाद प्रधानमंत्री की मुलाकात मालदीव्स के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन से हुई। फिर वही हुआ, रुचिरा ने यहाँ टोकने की कोशिश भी की थी। फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम से मुलाकात के वक्त रुचिरा कंबोज ने दो बार टोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद रुचिरा ने गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। वो बड़ी ही सहजता से मोदी से मुलाकात करने आ रहे विदेशी मेहमानों को सही जगह पर ही ले जा रही थी। रुचिरा उस प्रोटोकॉल को निभा रही थी जिसके मुताबिक दोनों देशों के नेताओं को अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज के सामने खड़ा होना होता है। अमूमन जो नेता होते हैं वो अपने जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उसके सामने खड़े होते हैं, तो अगर चीफ प्रोटोकॉल ये देखता है कि राष्ट्रीय ध्वज के सामने नेता नहीं है तो वो ये रिक्वेस्ट करते हैं प्रोटोकॉल अफसर कि सर आप इधर आ जाएं और दूसरे नेता जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाएं। ये काफ़ी रूटीन है, अमूमन होता है। इसी तरह के प्रोटोकॉल को निभाने के लिए भारत ने अपनी सबसे अनुभवी प्रोटोकॉल अधिकारी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए तुरंत वापस बुलाया था ताकि कहीं किसी गलती की कोई गुंजाइश न हो। मौजूदा वक्त में रुचिरा यूनेस्को के लिए भारतीय डेलीगेशन की प्रमुख हैं और पेरिस में तैनात हैं। रुचिरा कंबोज चीफ ऑफ प्रोटोकॉल थी, कई वर्षों तक यहाँ चीफ ऑफ प्रोटोकॉल थी और बहुत कुशल चीफ ऑफ प्रोटोकॉल थी, क्योंकि नए चीफ ऑफ प्रोटोकॉल जो हैं जिनकी नियुक्ति हुई है उन्होंने अपना कार्यभार अभी तक नहीं संभाला है, तो उनसे उनको आदेश दिया गया कि वो आए, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कार्यक्रम था तो उनको रिक्वेस्ट किया गया कि वो आए और उनके अनुभव का फायदा विदेश मंत्रालय ने उठाया। रुचिरा कंबोज 1987 बैच की IFS अफसर हैं और अपने बैच की टॉपर रह चुकी हैं। रुचिरा देश में कई मौकों पर प्रोटोकॉल अफसर की ड्यूटी बड़ी ही सहजता से निभा चुकी हैं। काफ़ी अनुभवी हैं, ब्रिक्स देशों की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इन्होंने बहुत काम किया था और प्रोटोकॉल का काम ये बहुत सहजता से करती हैं, तो एक सहजता इनमें है, ग्रेस है, इसलिए इनको खासतौर पर यहाँ भारत बुलाया गया। सार्क देशों के कई नेताओं को रुचिरा एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करने भी पहुंची थी। राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह के वक्त जब सार्क देशों के मेहमान राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे थे तो यहां भी रुचिरा कंबोज प्रोटोकॉल अफसर की जिम्मेदारी निभाते हुए मेहमानों की अगवानी कर रही थी। रुचिरा कंबोज प्रोटोकॉल कॉन्फ्रेंस के जरिए नए अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम भी करती रही हैं। Our job is to clear hurdles the best that we can. ये रुचिरा का अनुभव और उनकी काबिलियत ही है कि उन्हें इतने बड़े मौके पर पेरिस से देश बुलाया गया ताकि जिम्मेदारी मजबूत कंधों पर हो।